आज हमने कल आपका पेन मिरर स्टडी किया था, तो उसकी सारी एक्टिविटीज आज रिकॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर ये प्लेन मिरर लिया है। मैंने आपको कल भी बताया था जो बार्बर की शॉप्स पर होते हैं वो भी आपके प्लेन मिरर होते हैं। आप जो घर में ड्रेसिंग टेबल पर यूज करते हैं ये भी आपके क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मिरर के सामने जो भी चीज हम यूज करते हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर जो आपको दिख रहा है वो उसकी क्या है, इमेज है। क्लियर है ये? अब फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व करना। सबसे पहला पॉइंट हमने स्टडी किया था कि प्लेन मिरर के अंदर आपकी जो भी इमेज होगी उससे साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बराबर इक्वल होगा मिरर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ। आप अगर यहाँ पास से देखेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो देखो, आप मिरर के अंदर देखो क्या इमेज भी उसी साइज की बन रही है, ऐसा तो इसका दिख रहा है आपको, देख लिया अच्छे से। तो पहला पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर इमेज का। पहला पॉइंट क्लियर, ओके। नाउ सी सेकंड पॉइंट, मैंने आपसे कहा था आप ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड से मिरर के पास लेकर जाएंगे उस स्पीड से आपकी इमेज भी क्या हो रही है, मिरर की तरफ आ रही है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है, जितनी स्पीड से हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके आते हैं उतनी स्पीड से मिरर इमेज भी आपकी किस तरफ आ रही है, मिरर की तरफ आ रही है। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने आपसे बात की थी कि डिस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट का जितना मिरर से होगा आपकी इमेज भी उस मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। क्लियर था? अब ये सर, ये मैंने ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इमेज में देखो, इमेज आपको किसमें कितने पे दिख रही है, 10 पे। अगर यहाँ मैंने 5 पर रखा तो वो इमेज कितने पे दिख रही है, 5 पे। अगर मैं 15 पे रखूँ तो इमेज कितने पे दिख रही है, 15 पे। सेम दिख रही है, यानी कि ये भी पॉइंट क्लियर है कि आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन का, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन में क्या था कि आपका साइडवेज इमेज घूम जाती है। जैसे अभी यहाँ देखो, मैंने एम्बुलेंस लिखा, इस एम्बुलेंस में आपको सिर्फ एल को नोट करना है। ये एल यहाँ पर सीधा है पेपर पे, आप सब पढ़ पा रहे हो एल? यस मैम। अब यहाँ देखो इमेज में आपको वो एल कहाँ दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। और ये देखो, अगर मैं नीचे ये उल्टा एल बना रही हूँ, आपको इमेज में मिरर में कैसा दिख रहा है, ये एल नीचे वाला सीधा दिख रहा है। यानी कि आपका प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, इसलिए एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने से जो आ रहा है उसको वो क्या दिखे, सीधा। लेटरल इन्वर्जन अगर आपका ये है तो ये ऐसे पलट गया, दिस इज लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? लास्ट पॉइंट हमने कहा था इसकी जो इमेज है वो सेम साइड प्लस अपराइट बनेगी, यानी इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है, अगर ये हेड आपका ऑब्जेक्ट का ऊपर है, कैप ऊपर है, इमेज में देखो कहाँ दिख रहा है, ऊपर मैम, ऊपर ही दिख रहा है, ऐसा तो नहीं नीचे दिख रहा है। दैट मीन्स अगर आपका हेड ऊपर है और इमेज में भी आपको वो ऊपर दिख रही है, तो ये इमेज आपको सीधी दिख रही है, और इस तरह की इमेज को हम अपराइट कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। तो ये आपको 5 पॉइंट्स जो है प्लेन मिरर के याद। जी गुड मॉर्निंग, मैं आपको आज 5 कैरेक्टर दिखाऊंगा अपने मिरर के। पहला कैरेक्टर मैं उसमें दिखाता हूँ आपको, इरेक्ट। देखिए आप हिमाल के देख सकते हैं, इसका जो कैप है वो किधर से दिख रही है आपको, एक एक करके देखिए। अयमन आप देखो, आप इसको कैप ऊपर से दिख रही है, नीचे से, ऊपर से। इसका मतलब जो है कि ये जो है इरेक्ट है, इसमें प्लेन मिरर जो होता है वो वैसे ही दिखा रहा है आपको। दूसरा पॉइंट है साइज, आप देख सकते आपको इसमें साइज कितना दिख रहा है मार्कर का, बराबर आपको मार्कर का साइज बराबर दिख रहा है, छोटा है बड़ा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो इसका जो साइज ऑफ इमेज जो होती है और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो भी बराबर होता है। और अब आप ये देखिए, मैं ये मार्कर को जो तेजी से लाता हूँ आगे की तरफ लाता हूँ, आपको ये वहाँ पे इमेज में भी जो है आपको मार्कर आगे आते हुए दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो है मतलब प्लेन मिरर में अगर हम कोई चीज जितनी तेजी से आगे लाएंगे उतनी तेजी से इमेज भी जो है ऑब्जेक्ट के बराबर तेजी से वापस आएगी। उसके बाद हम देखते हैं लेटरल इन्वर्जन।
आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है। जी जी। आप कोई प्लेन मिरर में कैसा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। सिर्फ एल अल्फाबेट को देखो, सिर्फ एल अल्फाबेट, एल अल्फाबेट को देखो, वहाँ पे एल उल्टा ऐसे आ रहा है। तो अब आप इसको देखिए, इस वाले एल को, ये सीधा सीधा, ये ऐसे। तो इसको लेट आप एज्यूम कीजिए, आप अपना राइट हैंड उठाइए, आपको ये आप एज्यूम कीजिए, आपकी इमेज, आपकी इमेज में ये राइट है या लेफ्ट? लेफ्ट। इसी को जो है हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मींस आपका अगर ये राइट हैंड है ना, आपको दिख रहा है ये वाला, अगर आप उस साइड जाओगे तो ये आपका क्या दिखेगा? इमेज में आप अज्यूम कीजिए कि कैसा दिख रहा है, ये लेफ्ट होगा या राइट? लेफ्ट होगा, उस साइड से तो ये लेफ्ट होगा। उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। यस मैम।